हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है करम दाब स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बताया, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को एस बी आई के नए नए अपडेट देता रहता हूँ। जो भी नया अपडेट आता है, सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। आज फिर एक एस बी आई का नया अपडेट आया, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है आप लोगों के लिए, एंड आप लोग काफ़ी खुश हो जाएंगे अपडेट देखने के बाद। अगर भाई आप खुश होते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो अपडेट क्या, चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, एस बी आई में हमको केवाईसी करना बहुत ज़रूरी होता है। केवाईसी जो हर 1-8 साल में होती है, ठीक है, और केवाईसी नहीं करते तुम्हारा अकाउंट भी स्टॉप होता है। लेकिन काफ़ी लोग भाई ये झंझट रहते हैं, बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम केवाईसी नहीं कराने जाएंगे, इतनी भीड़ में कौन जाएगा, कौन भाई लाइन में लगेगा, ठीक है। लेकिन भाई अगर पिछले आप 8 साल से अगर एक ही जगह रह रहे हो, जैसे अभी आप दिल्ली में रह रहे हो, पिछले 8 साल से दिल्ली में हो, आपने अपने आधार कार्ड में कोई अपडेट भी नहीं कराया है, तो भाई आपको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक एस बी आई का नया अपडेट आ गया। अपडेट ये आया कि भाई जो केवाईसी अब है ना, वो हम एटीएम मशीन से कर सकते हैं। जी हाँ, वही एटीएम मशीन जिससे हम पैसा निकालते हैं, ठीक है, उसी एटीएम मशीन से हम केवाईसी कर सकते हैं। मैं ये लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, मैं बेफालतू कोई बात ही नहीं करता हूँ। अब बात ये आती है भाई, एटीएम मशीन से हमको केवाईसी करनी कैसे। सबसे पहले आप ये समझ लो, अगर आपने अपने आधार कार्ड में कोई अपडेट नहीं कराया, आप जिस स्थान पर रह रहे हो उसी स्थान पर अभी हो, तो आप जाओ एटीएम मशीन पर, वहाँ पर जाके केवाईसी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई अपडेट करा लिया है अपने आधार कार्ड में, या फिर आप दिल्ली रहते थे, अब उसके बाद लखनऊ रहने लगे, तो जो आपको केवाईसी अपनी ब्रांच में ही करानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी सेम कंडीशन है, तो आप एटीएम मशीन से भी केवाईसी कर सकते हो। चलिए पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, एंड आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से जो यहाँ पर आपको एटीएम मशीन से केवाईसी करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एटीएम मशीन में अपना कार्ड लगा देना है। जैसे कार्ड लगाओगे, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे बैंकिंग सेलेक्ट करें, बैंकिंग के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है वो सेलेक्ट करें, फिर आपको ऑप्शन मिला केवाईसी अपडेट, उस पर आप क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपको येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पर येस के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर कोई भी एक नंबर डाल दें, 25, 26, 29, 26 डाल दें, यहाँ पर येस कर दें। यहाँ पर अपना पिन डाल दें, जो भी आपका पिन नंबर हो, ठीक है। पिन नंबर जैसे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चला जाएगी ऑटोमेटिक, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर जैसे वेट करेंगे, यहाँ पर आपका आधार नंबर के लास्ट जो डिजिट रहते हैं 4, वो दिखा दिया जाते हैं, यस कर देंगे। फिर हमको यहाँ पर एक पूरा मैसेज आता है, वो हमको पढ़ लेना। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पूरा मैटर पढ़ने के बाद याद रहे यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, यहाँ पर मैसेज आ गया, डियर कस्टमर विल हैव सक्सेसफुल रजिस्टर योर क्वेस्ट, ठीक है। अभी हमारी जो केवाईसी है यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। तो मैंने आप लोग बता दिया किस प्रकार से जो एटीएम मशीन से आप केवाईसी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल नए हो चैनल की सब्सक्राइब कर देना आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए। एंड जिन्होंने भी तक हमारा नया चैनल नहीं देखा, स्मार्ट सी एस सी, जाके वो चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।